ज्यादातर लोग यहाँ पे मेट्रो से ट्रेवल करना पसंद करते हैं। सोवियत वाज द फर्स्ट जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की। पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे मेरे को कि कौन पागल आ गया है। और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज है मेरा रशिया का दूसरा दिन और आज सबसे पहले मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ यहाँ की मेट्रो की। यहाँ पे आप हर राइड के लिए भी पास ले सकते हो जो कॉस्ट करेगा आपको 60 रूबल्स, लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगर आप कम दिन के लिए आ रहे हो तो 3 दिन का पास ले लीजिए, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए आ रहे हो परमानेंट कार्ड होता है वो ले लीजिए। उसके थ्रू आप रिचार्ज करवाते रहोगे और यूज़ करते रहोगे, और अगर आप हर ट्रिप के लिए अलग से पे करोगे तो वो आपको कॉस्ट करेगा 60 रूबल्स हर जगह पर, फिर चाहे वो मेट्रो हो, ट्रैम हो या फिर यहाँ की बसेस। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक अनलिमिटेड कार्ड लेने वाला हूँ 3 दिनों का। एक दिन का अनलिमिटेड पास 265, 3 दिन का अनलिमिटेड पास 500, और 90 दिन का अनलिमिटेड पास 5,700 रूबल। तो अपने लिए सबसे बेस्ट यही है। अगर आप मॉस्को में कुछ और करो ना करो, रेड स्क्वायर, क्रेमलिन और तीसरा यहाँ की मेट्रो को ज़रूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि यहाँ की मेट्रो आपके होश उड़ा देगी। इतनी मस्त कार्ड है। ओह, ये मेरा कार्ड आ गया है। ये मेरे कार्ड पे शाबाश एंट्री हो गई है। ये सोवियत टाइम के बने हुए मेट्रो स्टेशन है, बहुत गहरे गहरे, यूँ मान लीजिए लगभग 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। कई एक्सेलेटर तो ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको लिटरली 10 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। वो चलते रहेंगे, फिर एक छोड़ के फिर एक और एक्सेलेटर लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डीप मेट्रो स्टेशन बना रखे हैं। अगर मान लो सोवियत यूनियन के ध्यान में ऐसा था कि अगर मान लो कुछ न्यूक्लियर होलोकास्ट हो जाए तो पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उन सबको मेट्रो स्टेशन के अंदर ले जा सकें। जिस मेट्रो स्टेशन से मैंने एंट्री लिया है इसका नाम है प्रोस्पेक्ट मेरा। तो रशियन के अंदर स्ट्रीट या गली को बोलते हैं प्रोस्पेक्ट या उलित्सिया। अभी हम जिस मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हैं वो है विदिन था, साइड में आपको दिख रहा होगा ऊपर BDNPH। वहाँ पर एक गार्डन है, वहाँ पर एक गार्डन में मेरा कम इंटरेस्ट है, मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वहाँ पर एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर कॉस्मोस से रिलेटेड, अपने यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, काइंड ऑफ रॉकेट वॉकेट जो आप थोड़ी देर में देखने वाले हो। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ की मेट्रो थोड़ी अलग थी, मेरे हिसाब से मेट्रो चेंज कर दी है। पहले वाली मेट्रो बहुत ज़्यादा शोर करती थी। सिर्फ 2 मेट्रो स्टेशन के लिए चढ़े थे, अगले मेट्रो स्टेशन पर हमें उतरना है और वहाँ से फिर हम सीधा विदिनखा पहुँच जाएंगे। मॉस्को मेट्रो का कंस्ट्रक्शन लगभग 70 से 80 साल पहले हो गया था। ज़्यादातर लोग यहाँ पे मेट्रो से ट्रैवल करना पसंद करते हैं क्योंकि अगर आप रोडों पे जाओगे ना तो भीड़ यहाँ पे जैम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगते हैं। रोड अच्छे हैं यहाँ पे, चौड़े चौड़े हैं। अब सबसे हार्ड काम कर रहा हूँ मैं, इस यहाँ पे वॉक करना बड़ा खतरनाक सीन है भाई। सबसे पहले मैं विजिट करूँगा यहाँ पे एक गार्डन है विदिनखा में, विदिनखा, और उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस म्यूजियम पड़ता है, उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और यहाँ के एंट्रेंस ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ऊपर एक रॉकेट दिखा रखा है और पीछे रॉकेट का ट्रेल धुआं हुआ टाइप में। और आज का जो मॉस्को का मौसम है वो और ज़्यादा प्यारा हो रखा है। ये बाहर आपको 2 परियां दिख रही हैं। पहले मुझे लगा कि यहाँ पे लेडीज़ होंगी जिन्होंने कपड़े वपड़े पहने होंगे, लेकिन जब यहाँ पे पास में पहुँचा तो कुछ अलग ही कमाल हुआ। 2 बंदे जिन्होंने परियों टाइप के कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पे वो काइंड ऑफ लोग इनके साथ फ़ोटो वोटो ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पहुँच चुका हूँ विदिनखा। तो विदिनखा के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। विदिनखा सोवियत टाइम की एक पार्क मान लीजिए, जहाँ पर सोवियत गवर्नमेंट अपनी अचीवमेंट के बारे में बातें करती थी। और यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ का स्पेस म्यूजियम जिसके सामने अभी मैं हूँ। ये देखिए, अरे हाँ, मतलब कि इस म्यूजियम में आपको पता है ना कि सोवियत यूनियन ने सबसे पहला बंदा स्पेस के अंदर भेजा था, यूरी गगैरिन। और यूरी गगैरिन का जो सूट था, यूरी गगैरिन से रिलेटेड जितनी भी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, उनका फर्स्ट हेड, क्योंकि स्पेस में जाने से पहले उनका हार्ट चेकअप हुआ था, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस म्यूजियम के अंदर मिलेगी जो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। और बाकी यहाँ पर जितनी भी सोवियत कंट्रीज़ थी जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, उन सभी कंट्रीज़ के अलग अलग मोन्यूमेंट बने हुए हैं इस विदिनखा में। विदिनखा एक बहुत बड़ा पार्क मान लीजिए आप, जिसके अंदर सोवियत अपनी पावर को और उनकी अचीवमेंट्स को शो करता था पुराने टाइम में। फिर 1991 आते आते सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हो गया और उसके बाद इस पूरे पार्क को एक प्रॉपर म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। लोग यहाँ पर आते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, बस। What's your name, brother? My name is Pavel. My name is Roberto. Roberto. What's your name?
My name is Dipanshu. Oh, nice to meet you, my friends. Let's nice take a photo, you. Smile. Hopana. So it's you are an angel. Yes, of course. And bhai, ye dono bhai hain angel. Hop, I meet you. Yes, ki ho you. Hop. Hop. Ah! Maar diya ek ko to maine. Musee Cosmona Cosmona Biniki. तो म्यूजियम के एंट्रेंस पे लिखा होता म्यूजियम ऑफ द एस्ट्रोनॉटिक्स। तो जैसे ही आप इस म्यूजियम के अंदर एंट्री लोगे आपको एक गैलीलियो गैली की ये प्रतिमा मिलेगी, दूसरी साइड ब्रूनो की, और अब मैं जा रहा हूँ मेन म्यूजियम के अंदर। जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद से ही सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में एक स्पेस वॉर छिड़ गया, और स्टार्टिंग के डेज में सोवियत इस वॉर को बहुत मस्त तरीके से जीत रहा था, क्योंकि सोवियत वाज़ द फर्स्ट जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की। सोवियत वो पहले बंदे थे जिन्होंने किसी लिविंग बींग को स्पेस में भेजा, फिर सोवियत पहले बंदे थे जिन्होंने पहले इंसान को स्पेस में भेजा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोवियत इंसानों को चांद पर नहीं भेज पाए। उन्होंने दो तीन मिशन ट्राई किए लेकिन हर बार कुछ रॉकेट्स के कारण वो मिशन फेल हो गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ली थी यार। पहले इंसान को भेजना, कुत्तों को भेजना और पहली सैटेलाइट लॉन्च करना। ये देखिए आप, ये है स्पुतनिक का मॉडल, अपनी धरती की सबसे पहली सैटेलाइट। रशिया ने कोविड के लिए वैक्सीन बनाई ना स्पुतनिक, वो स्पुतनिक नाम यहीं से लिया गया। दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट जो सोवियत ने लॉन्च की थी। ये स्पुतनिक के अंदर का मॉडल की भाई, स्पुतनिक के अंदर क्या क्या था? जैसे वो स्पुतनिक, ये स्पुतनिक का बड़ा वर्जन जिसको खोल के अंदर दिखाया कि अंदर क्या क्या डाला गया था इसके। इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी 1975 में आर्यभट्टा, और सोवियत यूनियन ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी 1957 में। जो अपनी इंडिया ने आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च की थी उसके लिए जो लॉन्च साइट थी और जो रॉकेट्स थे वो रशियन यूज़ हुए थे। तो पहले जो सैटेलाइट थी उसका नाम था स्पुतनिक। दूसरी सैटेलाइट के आगे है ना क्या लिखा, दूसरी सैटेलाइट के आगे बायो सैटेलाइट लिखा होता, और मैं चक्कर में पड़ गया भाई इसका मतलब क्या है। तो फिर पवेल भाई साहब ने बताया कि सो इन दिस दिस वाज द सेकंड सैटेलाइट। यस, दिस वन वाज द सेकंड वर्ल्ड सेकंड सैटेलाइट, इट वाज लॉन्च्ड द सेकंड एवर। यस, सेकंड एवर, नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट द सेकंड एवर। ओके, बिकॉज़ इट वाज लॉन्च्ड जस्ट इन अ मंथ आफ्टर द फर्स्ट वन, ऑन द आफ्टर द स्पुतनिक। यस, व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस? Just the second biological satellite. There is no name. Like, no name. Not like Sputnik. Just a biological satellite with the dog Laika on board. Okay. And that's it. आपने सुना होगा कि space exploration के starting days में कुत्तों को भेजा गया था, और इसी world second satellite के अंदर Laika नाम के एक कुत्ते को ऊपर भेजा गया। Unfortunately, इस कुत्ते की death हो गई 6 घंटे के बाद ही, लेकिन जब उनको ऊपर भेजा गया तो इनकी ऊपर जाने से काफ़ी साइंटिफिक चीज़ें प्रूव हुई। इन द बिगिनिंग ऑल्सो इट वॉज नॉट प्लान दैट शी विल कम बैक। यस, बिकॉज दिस सैटेलाइट कैन नॉट कम बैक टू अर्थ। एग्जैक्टली। एंड शी डाइड ऑफ बिकॉज ऑफ ओवरहीटिंग। तो पवेल भाई साहब बता रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा, स्टार्टिंग में लोगों को डर लग रहा था कि यार क्या ह्यूमन सच में ऊपर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस डॉग के ऊपर जाने से ये प्रूव हो गया कि हाँ कुछ मिसकैलकुलेशन हो गई थी, लेकिन हम इंसानों को ऊपर भेज सकते हैं। मैं आपको दो कुत्ते और दिखाने वाला हूँ जो हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत बड़ा योगदान इनका, बेल का एंड स्ट्रॉयल का। एक हिसाब से एस्ट्रोनॉट कौन होता है जो ऊपर जाए और धरती के अराउंड रिवॉल्व करे? तो हमारा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था डॉग लाइका, दूसरे दो एस्ट्रोनॉट जो ऊपर गए और वापस भी आए, और इन दो कुत्तों ने धरती के बाहर 25 घंटे तक चक्कर लगाए थे। 17 टाइम्स इन्होंने धरती को रिवॉल्व किया था, और इन दोनों का नाम था बेलका और स्ट्रेलका। ये दोनों वापस जिंदा लौटे और इन्होंने बाद में एक हैप्पीली कुत्ते वाली जिंदगी जी। ये जो आपको डमी दिख रही है ना, ये उनकी ओरिजिनल स्किन थी। जैसे उनकी डेथ हुई तो इनकी स्किन को उतार दिया और इनकी स्किन के अंदर पफ कुछ भर के, ताकि ये अमर हो गए हैं। तो ये दोनों कुत्ते अमर हो गए हैं भाई। ये दो पहले एस्ट्रोनॉट थे जो जिंदा वापस आए हैं। एस्ट्रोनॉट ही बोलेंगे यार, जरूरी थोड़ी कि एस्ट्रोनॉट सिर्फ इंसान ही हो सकता है। मुझे लगा कि अकेले कुत्तों को भेजा गया था, लेकिन पवेल भाई बता रहे हैं कुत्तों के साथ फंगस को भेजा था, पौधों को भेजा था, और कुछ चूहे भी थे, और वो सब साथ में जिंदा लौटे। तो ये इनका मेन, ये इनका कंपार्टमेंट था जिनके अंदर कुत्तों को रखा गया था। ये रियल वो चीज़ है जो स्पेस से वापस आई थी, और जब ये ग्राउंड को हिट किया तो यहाँ पे छोटे मोटे डेंट भी पड़ गए थे, लेकिन कुत्ते बच गए यार। सबसे मस्त, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी। इस सामने जो आपको फुटेज दिख रही है, ये रॉकेट की और यूरी गगारिन की फुटेज जब वो स्पेस में गए थे, जब उनको लॉन्च किया गया था स्पेस में, तो
तो लॉन्च किया था कजाकिस्तान में, क्योंकि उस टाइम कजाकिस्तान भी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, और जब वो लैंड हुए थे वो हुए थे सेंट्रल रशिया में। तो पवेल भाई बता रहे हैं जब यूरी गैगरिन लैंड हुए धरती के ऊपर, आते टाइम लैंडिंग वाली जगह जो प्लान की थी वो वहाँ पर लैंड नहीं हुए, वहाँ से 600 किलोमीटर दूर किसी और जगह पर लैंड हुए। और उस टाइम पर वहाँ पर कुछ लोग आलू की खेती वेती कर रहे थे, आलू को उगा रहे थे, और एकदम कोई आसमान से कोई बंदा आएगा तो वहाँ के बंदे डर गए। और जब यूरी गैगरिन ने अपना हेलमेट वेलमेट निकाला तब उन बंदों को समझ आए अरे हाँ ये सीनर है। आपको बताना चांद की एक दूसरी साइड है जिस जो धरती से दिखती नहीं है, उसको डार्क साइड ऑफ मून बोलते हैं। तो ये वो पहली सैटेलाइट थी, इसे भी सोवियत यूनियन ने ही बनाया था, जिसने मून जिसने चांद की उस साइड की पहली तस्वीर खींची थी। अभी हम आ गए हमारे अगले सेगमेंट के अंदर, ऑर्बिटल स्पेस हाउस। ये एक स्पेस क्राफ्ट था जिसके अंदर लोगों को स्पेस में भेजा जाता था, और ये यहाँ से इसका कंट्रोलर वंट्रोलर वो सब। ये अभी तक रशिया और सोवियत यूनियन के जितने भी कॉस्मोनॉट्स हुए हैं उन सब की फोटोज़। ये रशिया का पुराने वाला स्पेस स्टेशन जिसको बोलते थे मीर स्पेस स्टेशन, ये अकेला रशिया का था शायद। इस इमेज के साथ आप फ्रेंडली हो गए, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। दुनिया की सारी स्पेस एजेंसीज यहाँ पर इकट्ठा मिलकर काम कर रही हैं। सोवियत टाइम में ही रशिया ने एक स्पेस स्टेशन बना लिया था, ये लगभग 15 साल स्पेस के अंदर रहा, और उसके बाद 2001 में इसको डी ऑर्बिट करके पैसिफिक ओशन के अंदर इसको गिरा दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे सुसु करने की जगह है। ये भाई एक पर्सनल बंदे का स्लीपिंग कंपार्टमेंट जिसके अंदर वो बंदा सोता, जो भी कॉस्मोनॉट होते हैं वो सोते होंगे, और वहाँ पे एक खिड़की है, खिड़की से आप धरती को देख सकते हो कितनी मस्त। और जो कॉस्मोनॉट्स हैं वो ऐसे बैठते हैं भाई स्पेस स्टेशन के अंदर। ये जो कॉस्मोनॉट्स होते हैं जो या एस्ट्रोनॉट होते हैं जो ऊपर जाते हैं, उनका खाना इस तरीके से ट्यूब में भरा रहता है। वेजिटेबल्स आर फ्लाइंग। यस, एवरीथिंग इज फ्लाइंग इनसाइड। हां, दिस इज स्पेस स्टेशन। या ISS. मैं अभी पवेल भाई से ये पूछ रहा था कि स्पेस स्टेशन के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है, तो भाई बता रहे हैं स्पेस स्टेशन के अंदर का टेम्परेचर होता है लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, और जो स्पेस स्टेशन की सूरज के साइड वाली सूरज वाली साइड है उस तरफ टेम्परेचर रहता है 120 से 130 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और जो जो स्पेस स्टेशन का पार्ट छाया में पड़ता है उधर टेम्परेचर रहता है 120 या -130 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब तक एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो टेम्परेचर ऐसे ही वेरिएशन करेगा। तो चांद के ऊपर भी रोवर भेजने वाले सबसे पहले रशियन से थे, सोवियत यूनियन। एंड व्हाट वाज द टाइम? नवंबर 1970। ये उस टाइम का एक स्पेस एयरक्राफ्ट ही बोल लीजिए जो पहली बार मून से सैंपल लेके आया था। इधर ये देखिए, ये है ड्रिलिंग डिवाइस जिसने मून से मिट्टी इकट्ठा की होगी, वो फिर इधर छन छन के ऊपर पहुंची, और ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, सिर्फ यही पार्ट वापस आया था। तो अगर आप कभी चांद पर जाओगे इन फ्यूचर तो सेम ऐसी सी मशीन मिलेगी आपको चांद के ऊपर जो सोवियत्स ने सेंड की थी मून से सैंपल लाने के लिए। तो क्या हुआ था कि 3 कॉस्मोनॉट धरती पे आ रहे थे 2014 में, तो उन्होंने इस रशियन डिस्टेंट मॉड्यूल को यूज़ किया था, और 2014 में धरती पर लैंड हुआ। तो आपको पता है जब भी कोई चीज़ धरती के एटमोसफेयर में आती है उसके ऊपर आग लग जाती है, तो लिटरली अभी भी आप उस धुएं को स्मेल कर सकते हो, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ जली हुई है। तो ये जो आपको काला काला निशान दिख रहा है ना, ये आग के कारण हुआ है। बाकी अभी तक मैं सोच रहा था कि यार हमारा तिरंगा क्यों नहीं दिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे स्पेस मिशन थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली USSR से रिलेटेड थे। तो इधर देख लीजिए हमारा तिरंगा आपको दिख रहा होगा, ये रहा। तो इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी 19 अप्रैल 1975। अपने इंडिया के जो राकेश शर्मा है इनका नाम भी यहाँ पे मेंशन है, देखिए इंडिया राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984। और उस टाइम पर जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इनसे बात भी की थी। अब मेरा टाइम हो गया यहाँ से निकलने का और अलविदा बोलने का पवेल भाई को। थैंक्स लॉट पवेल। अब मैं जा रहा हूँ मेरी अगली जगह पर जो होने वाली है विदिन खा। इसी जगह के अंदर एक और जगह पड़ती है जहाँ पर एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, उसके बाद मैं जाऊंगा एक एक्वेरियम में। हाँ, अभी का तो यही एजेंडा है, बाकी देखते हैं अगर और कोई नई चीज़ मिलती है तो वहाँ देखेंगे। जब मैं यहाँ पिछली बार आया था ना उस टाइम पर कुछ पुरानी ट्रेन भी चलती थी, लेकिन अब सारी शायद रिप्लेस कर दी गई है। मेरे को अभी तक कोई भी पुरानी ट्रेन के जो डब्बे थे वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये है विदिन खा की मेन बिल्डिंग, सामने आपको व्लादिमीर लेनिन की फोटो दिख रही होगी, पीछे जितने भी साइन दिख रहे हैं आपको वो सब सोवियत टाइम के हैं।
विनिमानिया। आप ऐसे किसी ने चर्नोबिल देखा है? चर्नोबिल के स्टार्टिंग में सबसे पहले आती है विनिमानिया विनिमानिया, तो उस विनिमानिया का मतलब होता है अटेंशन अटेंशन। पीछे से ये अनाउंसमेंट हो रही है, पता नहीं किस चीज़ के लिए। उस एस्ट्रोनॉमिकल म्यूजियम से निकलने के बाद मैं खाना पीने गया, और आपको एक चीज़ बताई थी ना मैंने कि एक स्क्वायर है जहाँ पे, एक जगह है जहाँ पर जितनी भी सोवियत कंट्रीज हैं उन सब के अलग अलग मॉन्यूमेंट बना रखे हैं। तो मैं अभी वहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ के सेंटर में है एक बड़ा सा फुहारा, बड़ा सा फाउंटेन, ये जो आप सामने फाउंटेन देख रहे हो, और इसके चारों तरफ उन कंट्रीज़ के मॉन्यूमेंट बने हुए जो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी। सामने उधर मेरे को आर्मेनिया का दिख रहा है, बाकी शायद इधर उधर चलूँगा ना तब सामने आ जाएंगे। मेरे हिसाब से छोटू का मन कर रहा है पानी के अंदर कूदने का। मन तो मेरा भी कर रहा है इन बच्चों के साथ नहावा लूँ, लेकिन मुझे लग रहा है अगर इस पानी के अंदर घुस गया ना ये पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे मेरे को कि कौन पागल आ गया है। सामने जो भी आपने देखा ये एक रशियन रॉकेट है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन टाइप में यूज़ होता था। रॉकेट का नीचे वाला पार्ट जल जाएगा या फिर नीचे रह जाएगा और ऊपर जाएगा सिर्फ, जो ऊपर टॉप देख रहे हैं ना आप। और आज की मेरी जर्नी का अगला पड़ाव होने वाला है मॉस्को एरियम, यानी मॉस्को का एक्वेरियम। भाई इस जगह को कितना फाड़ बना रखा है इन्होंने। मॉस्को एरियम, और यहाँ की आप एंट्रेंस भी देखिए, एकदम डॉल्फिन की शेप में बना रखी है। एक्वेरियम के अंदर मेरी एंट्री हो गई है। यहाँ पे आपको एंट्रेंस फी पे करनी पड़ेगी 1100 रूबल की, और उसके बाद आप एक अलग दुनिया में चले जाओगे। अरे ये देखो ये लिखा आ रहा है इसके ऊपर, यहाँ पे है अंधेरा, लेकिन अंधेरे होने से ही आप अच्छी अच्छी तरीके से मछली को देख पाओगे। छोटी शार्क नीचे है, स्टिंगरे, ये नहीं पता कौन से वाले है, लेकिन मस्त ये भी रही है। ये वाली देखो ना कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पर तो देखिए यूँ लग रहा है कि आ गया ना कुछ बट रहा है, तो सारी मछलियाँ एक ही डायरेक्शन में भागती भी जा रही हैं। एक वो छुटकी मछली थी ना वो गई थी उल्टी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये मछली देखने से इतनी उदास लग रही है भाई। इन मछलियों को आप देखिए, ये लग रहा है कि सेल्फी लेने के लिए एकदम तैयार है। देखो चीज सब मेरी तरफ देख रही है। ये रही छोटी छोटी शार्क, अभी थोड़ी देर पहले बड़ी शार्क भी आई थी इधर, ये बड़ी स्टिंगरे। अच्छा तो इसके अंदर आप डाइविंग भी कर सकते हो, ये देखो। विदिन खा में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम मॉस्को आते हो तो इन जगहों को मिस मत करना। एक म्यूज़ियम इधर भी है लेकिन ये अभी बंद हो चुका है। इस म्यूज़ियम के जस्ट बाहर आपको ये वोस्टोक नाम का रॉकेट मिल जाएगा जो सोवियत टाइम का बना हुआ है। एक तो मेरा इस रॉकेट को देख देख के ही मन नहीं भर रहा है वोस्टोक, बाकी अब टाइम आ गया है आज के इस थकावट भरे दिन को ख़त्म करने का। वापस से मैं होटल की तरफ जाऊंगा, और कल के लिए मैंने एक और मस्त चीज़ प्लान कर रखी है जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो। परसों तक शायद शुभम भी आ जाएगा, और शुभम के आने के बाद हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे मुरमंस के तरफ, नॉर्थ पोल के तरफ। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।